हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के चांद नगर परिसर में एक के बाद एक कई चोरियों की खबर सामने आने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। चांद नगर के सैयद मंजिल में दिन में ही दूसरे और तीसरे मंजिले पर दरवाजे का ताला चोरों ने काट दिया। इसी तरह से चांद नगर के ग्रीन फील्ड सोसाइटी में बाथरूम की खिड़की तोड़कर शेख मोहम्मद आशिफ के घर में चोर घुस गए और एक आईफोन और करीब 500 से 600 रुपये ही चुराने में कामयाब हुए। शेख मोहम्मद आशिफ ने चोरी की घटना पर क्या जानकारी दी है, सुनो। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद आसिफ। क्या चोरी हुई थी आपके घर में और क्या क्या चोरी? 17 की रात में ना 2 बजे तक तो खैर हम लोग जाग रहे थे, उसके बाद में ना हम लोग सो गए। उसके बाद में फिर मेरा छोटा भाई ना जो 4:30 बजे वॉशरूम के लिए आया तो देखता है ना कि वॉशरूम की खिड़की वगैरह, ग्रिल वगैरह पूरी निकाली है, नेट निकाली है, उसमें लोअर में जो ग्लास रहता वो सब निकाल के फेंका हुआ, एक ग्लास अंदर टूटा पड़ा था। तो वो वॉशरूम करके जैसे ही पलटा ना तो उसके पैर में कांच लगी, तो वो देखा तो विंडो नहीं है। फिर हम लोग को सबको उठाया, उसके बाद में हम लोग ने सब चेक किया तो ऊपर भी हम लोग का मतलब रूम है ना सोने के लिए, तो हम लोग अंदर से कड़ी रखते तो ऊपर से कुछ सामान नहीं गया। नीचे जो था हमारा आईफोन था और वाइफ का पर्स था, ये सब मतलब उसमें से सामान चोरी हो चुका था। फिर बाद में हम लोग ने निकल के इधर चहल पहल की तो कोई दिखा नहीं क्योंकि रात का सन्नाटा। कैश वगैरह भी चोरी हुई? कैश ज़्यादा नहीं, 500-1000 रुपये जो पर्स में था वही था, बाकी और आईफोन था, आईफोन गया है। और बाकी उसके बाद में मतलब आजू बाजू भी आसपास के भी अतराफ में दोपहर तक सुनने में हमारे को आ गया कि 5 से 6 चोरी ऑलरेडी और हो चुकी है। अभी हम लोग पुलिस में भी गए थे, उनको रिपोर्ट वगैरह लिखा है तो उन्होंने रजिस्टर्ड में कंप्लेंट लिखी है। इसी तरह से चांद नगर के ही सैयद मंजिल के दूसरे और तीसरे मंजिले पर भी चोरी करने की कोशिश की गई। तीसरे मंजिले पर मेहरून निशा के घर का भी ताला चोरों ने काट दिया। ताला काटने से पहले दूसरे और तीसरे मंजिले पर रहने वाले घरों में दरवाजे पर चोरों ने कड़ी लगा दी ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल सके। जिन घरों में चोरी की कोशिश कर रहे थे उन घर के परिवार घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे, मगर ताला काटते समय इमारत में हलचल शुरू हो गई और लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सैयद इमारत के दूसरे और तीसरे मंजिले पर चोरों के मंसूबे पर पानी फिर गया और ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे सके। इन सभी लोगों ने पुलिस में शिकायत की है, मगर लगातार जिस तरह से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैंने देखा था वो एक काले से अंकल थे और वो पहले खाड़ी के साइड गए, फिर आए, फिर उनने गोनी से एक ब्लेड थी इतनी बड़ी और हथौड़ा था उनने लिए, फिर खाली के साइड गए। हाँ, तो आप कहाँ थे वो टाइम पे? हम के साथ हम उसकी गाड़ी की देखने गए थे, इसलिए कहाँ एग्जैक्टली? ये बिल्डिंग के आसपास थे, ये जहाँ गाड़ी खड़ी होती है सामने, जहाँ ये गोनी है वही। तो ये बिल्डिंग में गुस्से में देखा था आपने? नहीं, जब वो जा रहे थे तब देख रहे थे हम। पहचानते उन लोग को? हाँ पहचानते। हाँ पहचानते। एरिया के लोग हैं? नहीं, वो उनके वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन उनको मैं देखा हूँ। देखा है पहले? हाँ नहीं, पहले नहीं देखा हूँ, अभी देखा हूँ। चेक किया अंदर कुछ? चेक किया, कुछ नहीं गया। ओके, कुछ भी नहीं गया? नहीं। ठीक है, लेकिन ताला कट गया और आप आ गए? आप नहीं थे घर में? नहीं थे? नहीं घर में नहीं थी, आकर के देखी तो दोनों दरवाजा खुला हुआ था। आपको मतलब कहीं बाहर गए थे सुबह से? गए थे कि अभी? नहीं नहीं, अभी जस्ट एकदम। ओके ओके। वो 3:15 के बीच में फिर बच्चे लोग बोले कि आपने ताला नहीं मारे, मैं तो बोली ताला तो मारा है, चाबी तो है मेरे पास में, तो बोले दोनों दरवाजा तो खुला है, तो देखी तो ताला ये कटा हुआ था और ताला ढूंढी तो नहीं मिला, कड़ी कटी हुई थी, दोनों दरवाजा खुला था। तो मैं बोली पता नहीं बच्चे लोग खेल रहे थे कहीं बॉल वॉल लग के तो नहीं कटा, फिर बाद में पता चला सेकंड फ्लोर पे भी ऐसा हुआ है, तो एकदम घबरा गए ना, मतलब ये तो एकदम वो है दिन धाड़े ऐसा।
आना और ऐसा चोरी करना, कभी कोई घर में रहे ना रहे या बच्चे कभी रहे तो कोई भी हादसा हो सकता है ना। तो एकदम बच्चे डर गए सब कि ऐसे कैसे हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो डरने की बात ही है। आपा आप मतलब यहाँ पे जब आए तो आपने सबसे पहले क्या देखा था? इनके दरवाजे में कड़ी लगी हुई थी, बच्चों ने देखा और मेरा ताला वैसे ही अटका हुआ, तो फिर बच्चे आके बताए, मैं आई तो देखी तो ताला वैसे ही था। वो बच्चे बोल रहे कि कोई ब्लैक व्हाइट टी शर्ट में आदमी था, एक्सो ब्लेड लिया था और हथौड़ी लिया था हाथ में, हाथ में हथौड़ी और एक्सो ब्लेड लिया था। तो ओके, तो उन लोग ने वो उस पे खोतम थाली की आवाज़ आई थी। आप थे सर यहाँ पे, आप ये आपका घर है? मेरे घर पे भी ना, मेरे घर पे भी कड़ी लगा दिए गए थे। कुछ ठोकने वोकने की आवाज़ नहीं, बिल्कुल एकदम साइलेंस था, कुछ आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई है। काम कर रहे थे एकदम शांति से। हाँ, कड़ी लगा दी थी आजू बाजू में सबके घरों में, उसके बाद में ऐसा काम हो रहा था।